सवी और रजत की ज़िंदगी में आने वाला है एक नया मोड़, जहां पर रजत ने तो पहल कर दी है। दरअसल रजत की एक मीटिंग थी, जहां पर रजत सवी से एक रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि तुम्हें मेरी बीवी बनना पड़ेगा कुछ समय के लिए। और सवी को थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन वो सही के लिए रजत की बात मान जाती है। और फिर रजत जब मीटिंग में होता है अपनी, जहाँ पर उसके क्लाइंट्स आए होते हैं, तो वहाँ पर रजत को ये दिखाना होता है कि सवी उसकी बीवी है। और फिर सवी और रजत इस तरीके से पेश आते हैं जैसे वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी कपल हैं, और उनकी बहुत तारीफ भी की जाती है, और सई वहाँ पर उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश है। वहीं पर जो रजत के क्लाइंट्स हैं, वो रजत और सवी की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं आप दोनों की जोड़ी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और फिर यहीं से शुरू होने वाला है रजत और सवी के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, जहां पर अब उन्हें लगने लगेगा कि उन्हें सई के लिए आपस में शादी कर लेनी चाहिए, भले ही वो समझौता क्यों ना हो। प्यार तो इन दोनों में बाद में हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इन दोनों की शादी आप लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार ट्विस्ट आगे आपको देखने को मिलेंगे, तो कितना एक्साइटेड हैं आप गुम है किसी के प्यार में सीरियल के आने वाले एपिसोड्स के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं।